आपको इसका मैं इसका मार्जिन बता दूं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ये श्रग सिखा रही हूँ जो समर में आप पहनते हैं धूप से बचने के लिए। तो ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, ये मैंने शर्ट वाला कपड़ा लिया है, इसके लिए इसकी वजह से इसका अर्ज काफ़ी बड़ा है। देखिए ये कितना लंबा है। तो अब मैं आपको बता दूँ, मैंने सिर्फ इसमें इसकी लेंथ ली है, मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। इसकी लेंथ ली है मैंने 26 लेंथ, और बाकी ये कपड़ा मैं 21 इसकी स्लीव्स लूँगी। कितनी? 21 फुल स्लीव लूँगी। 21 इसकी लेंथ होगी, वो होगी स्लीव्स की। इसको भी 4 फोल्ड करते हैं और इसको भी 4 फोल्ड करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी हेल्दी के लिए आप बनाते हैं तो ये 4 फोल्ड करने से पहले इसकी ये यहाँ पर लेंथ देख लीजिए कि उसकी लेंथ पूरी आ रही है कि नहीं। ये मैं 34 चेस्ट के लिए, 32 या 34 के लिए बना रही हूँ, इसलिए सफिशियंट है। देखिए ये छोटा सा फोल्ड है, 4 फोल्ड। लेकिन अगर किसी मोटे मतलब थोड़ी सी हेल्दी के लिए बनाएंगे तो आप इसकी ये लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। ये देखिए करीब 36 इंच का करीब बनेगा, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आप यदि बनाएंगे तो करीब ये 11 भी हो सकता है, जब आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आप प्लीज़ देख। अब मैं आपको इसका मार्जिन बता देती हूँ। मैंने हमेशा आपको हर कुर्ती में वही मार्जिन रहता है कि आप अपना जो आपका मार्जिन हो वो आप उस हिसाब से देख लीजिए। मैं इसका मार्जिन ले रही हूँ, 3 इंच नेक पर लिया है, वही डीप लिया है 3 इंच, क्योंकि श्रग में मैं ज़्यादातर छोटा ही गला रखूँगी, रखते हैं। ये 3 3 फिर राउंड कर लिया, और यहाँ पर पीछे का गला सिर्फ आधा इंच आप सर्किल बना देंगे बस। और ये 7 इंच लिया है, ये भी 7 इंच लेंगे, इसको भी 7 इंच लेंगे, और फिर यहाँ पे आर्म होल्ड का निशान दे देंगे। जितना कपड़ा है वो एक्स्ट्रा में मार्जिन में आ जाएगा। इसकी लंबाई तो मैंने 26 ली है, बाकी स्लीव्स में चली जाएगी। अब मैं इसको कट कर ली। ये कट कर लिया। अब मैं आगे वाला जो पार्ट है उसको सेपरेट करके फिर फ्रंट का कट करूँगी। फ्रंट पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेके इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी, या फिर आप स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा राउंड कर दूँगी, ये स्टिचिंग में भी कर सकते हैं आप। और ये यहाँ पे बीच में मैं कट करूँगी, यहाँ पर आप डोरी भी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ डोरी ही लगाऊँगी। स्लीप्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लंबाई है वो लंबाई ले ली, बाकी ये जो चौड़ाई है इसमें जहाँ पर आर्म होल्ड है, जैसे मेरा यहाँ पर 7 आर्म होल्ड आ रहा है यहाँ पर, और ये गहराई 3 इंच की ही लेते हैं। तो ये ऐसे स्टाइल में, ये देखिए, ये मेरा हो गया, ये 3 इंच इसकी गहराई लेते हैं, और जो आपका आर्म होल्ड की लंबाई हो चौड़ाई वो आप रख सकते हैं, और लेंथ आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे कलाई होगी आपकी, वहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे आपको 3 रखनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे 3। तो इस तरीके से आपकी स्लीव्स कट जाएगी। ये मेरी स्लीव्स मैंने कट कर ली है, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया, आप अपने हिसाब से ज़्यादा। अब मैं 1 बाय 1 सिलाई करूँगी, क्योंकि मैं सिलाई करते समय वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर पहले ये सिलाई करूँगी, फिर ये वाली सिलाई करूँगी, फिर ये देखिए फ्रंट का मैंने जो काटा था उसको मैं अंदर की तरफ करीब 3 इंच फोल्ड कर दूँगी दोनों तरफ, बोथ साइड, और यहाँ पर डोरी लगा दूँगी। आप 3 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी, जो और एक पट्टी जिसको कहते हैं, दोनों तरफ,
और वहाँ पर वो स्लीव्स जुड़ जाएगी और ये श्रग कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे भी स्लीव्स पे थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी आधा आधा इंच, और जिस तरीके से स्टिचिंग जिसको परफेक्ट आती नहीं है, थोड़ी बहुत भी सिलाई करनी आती है, तो वो इस तरीके से काट के सिलाई कर सकता है, ये सिलाई वो सिलाई।